माय डायमंड आर्मी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, आज मेरे हाथ में एक एयर फ्रेशनर थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या करने वाला हूं। दोस्तों, मैं इस एयर फ्रेशनर को एक बम बना दूंगा। ये वाला खाली है, मैं जो इस्तेमाल करूंगा वो बिल्कुल भरा हुआ होगा। दोस्तों, इसके अंदर बहुत ज्यादा दबाव से ऐसी गैसें भरी जाती हैं जो कि जल सकती हैं। 100 से ज्यादा इसके अंदर केमिकल होते हैं। तो दोस्तों, मैं यही करूंगा, इसकी इस टीन की चादर को पिघला दूंगा। पिघलाऊंगा कैसे भाई? अनार से, हमारा ये जाना माना ये वाला अनार। इससे मैंने लोहा भी पिघला के दिखाया आपको मुख्तलिफ वीडियोज में, शीशा भी पिघलाया है, नमक भी पिघलाया है, लाइम स्टोन यानी चूने का पत्थर भी पिघलाया है। तो दोस्तों, इस बार क्या होगा, ये अनार होगा नीचे, इसको हम जला देंगे और इसके ऊपर इस तरह से ये एक एयर फ्रेशनर मौजूद होगा। अब क्या होगा, जब ये अनार जलेगा, इसके अंदर से 1200 सेंटीग्रेड निकलता है, तो इस टीन की चादर को पिघला देगा। जब टीन की चादर पिघलेगी और इसके अंदर आग होगी, और जब वो आग इसके अंदर जाएगी तो दोस्तों ये जल उठेगा। जब जलेगा तो एकदम से धमाका होगा, क्योंकि सारी गैसें एकदम से बाहर आएंगी और उसके अंदर आग लग जाएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये आप कहीं पे भी कैसे भी किसी के सामने भी कभी भी ट्राई मत करिएगा। दोस्तों, ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हम इसको एक बम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब इसके लिए मैं जाता हूँ छत के ऊपर। अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर आपने कुछ करना ही है, तो भाई सब्सक्राइब का बटन इस तरफ आ रहा होगा, दबा दिया करें, सपोर्ट करें। ऐसी वीडियो बनाने के लिए 36-36 शूट लेने पड़ते हैं, जब जाके एक वीडियो बनती है, वो भी दो दो कैमरा से। तो दोस्तों, अगर आप पुराने हैं तो भाई दिल से थैंक यू। चलिए, इसके जैसा एक और एयर फ्रेशनर लेते हैं और जाते हैं हम छत के ऊपर, और फिर इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। Please subscribe Mr. Everything Experiments. तो गाइस, फाइनली मैं आ गया हूँ अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ, भाई छत के ऊपर। ये रहा मेरे पास अनार, इसके ऊपर मौजूद है एयर फ्रेशनर। तो दोस्तों, मैं इस अनार को जलाता हूँ और यहाँ से हट जाऊंगा, फिर हम देखेंगे कि एयर फ्रेशनर किस तरह से पकता है। हम तो पैदाइशी साइंसदान हैं, आप ये घर पर ट्राई करने की कोशिश मत करिएगा। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से इसमें धमाका हुआ, अनार ने इसको पिघला दिया, इसकी टीन की चादर को पिघलाया और उसके अंदर जितनी भी गैसें थी वो एकदम जल गई। तो दोस्तों, अगर एयर फ्रेशनर बहुत ज्यादा हीट के अंडर आ जाए तो फिर ये हाल होता है। यही दिखाने का और बताने का आपको मकसद था। इस वीडियो से आपने यकीनन कुछ जरूर सीखा होगा। इसको मैं आपको करीब से अगले शूट में दिखा देता हूँ। तो गाइस, सारी चीजें ठंडी हो गई हैं यहाँ पे, और ये आप देख सकते हैं मेरे पास ये एयर फ्रेशनर का हाल है। भाई ये देखें, यहाँ से ये पिघला गया, ये सारा होल हो गया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से हो चुका है, इसका जो टीन था वो यहाँ से पिघल गया है दोस्तों। और पिघलने के बाद क्या हुआ, वो इसके ऊपर यानी इस अनार के ऊपर यहाँ पर जम चुका है। और इसके अलावा जब इसमें से छेद हुआ था तो आपने देखा ही था किस तरह का नजारा था, यानी कि सारी चीजें उसमें से जो है जब गैसें बाहर निकली और वो किस तरह से जल गई, क्योंकि वो आग के अंदर था, यानी कि अनार ने जो है इसका लोहा मेल्ट किया और उसके बाद अंदर की गैसें रिलीज हुई और वो जलने वाली होती तो वो जल गया। तो गाइस, ये देख सकते हैं, ये इसकी मेटल है, ये भी अनार के साथ अटैच हो गई थी, यानी पिघल के इसके ऊपर जम गई थी दोस्तों। और ये इसका ढकना है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये ढकना जो है एयर फ्रेशनर का, ये देखिए किस तरह से इसका प्लास्टिक हो चुका है, यानी कि ये टूट भी रहा है, इतना कड़क हो गया और ये पिघल पिघला गया था सारा सब कुछ, ये आपके सामने। इसके अलावा ये इसकी सिलिकॉन है,
जिसके जरिए मैंने ईंटों के ऊपर इसको यानी कि एयर फ्रेशनर को टिकाया था ताकि ये इधर उधर प्रेशर से अनार के प्रेशर से उड़ ना जाए। तो दोस्तों ये अनार का हाल भी आपके सामने है और जो चीजें बची वो आपको मैंने दिखा दी। तो गाइस उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने समझने और जानने को मिला होगा। आपको ये तो पता चल गया होगा कि अगर हाई टेम्परेचर के अंदर अगर एयर फ्रेशनर रखा हुआ हो या इस तरह की गैसें मौजूद हो तो क्या होता है भाई, बड़ा खतरनाक धमाका होता है। तो ये आपने कहीं पे भी नहीं करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज यार सब्सक्राइब करें, अगर आप पुराने तो भाई दिल से थैंक यू। मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।